इस फोन की कैमरे ने S23 Ultra और 15 Pro Max दोनों को ही पीछे कर दिया है। परफॉर्मेंस में लेटेस्ट K70 Pro को पीछे कर दिया है। ये है Nubia Z60 Ultra। इसके ब्लू वेरिएंट ने भाई इंटरनेट पे तबाही मचा दी, इतना ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये। चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है? डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी सब बताता हूँ, लेट्स गो। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच की AMOLED Q9 Plus BOE डिस्प्ले। BOE सुनने में थोड़ा नया नया वर्ड लग रहा है। BOE डिस्प्ले मतलब बेस्ट ऑन अर्थ डिस्प्ले। चाइनीज की एक कंपनी है BOE टेक्नोलॉजी, वही इसको बनाती है। बहुत ही ज्यादा तगड़ी डिस्प्ले होती है ये 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट है और 120 हर्ट्ज की मक्खन छाप डिस्प्ले है। और ये कंपनी कोई फेको नहीं है कि 4000 निट्स ब्राइटनेस, 5000 निट्स ब्राइटनेस, इसमें 1500 निट्स की ब्राइटनेस है और 2160 हर्ट्ज की PWD डिमिंग है। ये जो रात रात भर गुलाबी फिरात में लगे रहते हो ना, तो आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा भाई ज्यादा डिस्प्ले से। ऑल द बेस्ट। और डिजाइन भाई साहब, ये फोन 3 कलर्स में आता है, ब्लैक, सिल्वर और एक्सक्लूसिव ब्लू कलर। ये देखो भेदभाव, ये ब्लू कलर सिर्फ और सिर्फ चिंगपोंग चोंग में ही लॉन्च हुआ है, मतलब चाइना में। बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड डिजाइन है, गैलेक्सी की तरह पैटर्न बने इसमें, मुझे तो एक नंबर लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। दौरे पड़ने लगते बीच में, सफलता के दौरे। इसका बैक जो है वो AG फ्लैश सैंड ग्लास से बना है, जिसकी वजह से जो ब्लैक और सिल्वर कलर है वो थोड़े से मेटल फिनिश की तरह के लगते हैं। एक सॉलिड बॉडी रेक्टेंगुलर डिजाइन है शार्प कॉर्नर्स के साथ। लड़ाई में किसी की हाउक के मार तो सर से रुबजा बहने लगे। सबसे यूनिक कैमरा मॉड्यूल है इसमें, बड़े बड़े कैमरा डिजाइन है क्योंकि बड़े बड़े सेंसर लगे कैमरा में। अभी बताता हूँ, सबर चाटू। और वन प्लस की तरह इसमें भी एक स्लाइडर दिया गया है, ये कस्टम स्लाइडर है जिससे आप फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो, फोन को साइलेंट कर सकते हो और कैमरा खोल सकते हो जिससे मस्त फोटोज ले सकते हो। बट एक चीज नहीं मिलेगी, कैमरा भाई बवाल है और अब आपकी भाई फटने वाली है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इसकी मेन अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो तीनों में ही OIS है। इस स्मार्टफोन में 35mm का 50MP का मेन कैमरा सोनी IMX800 सेंसर के साथ और 18mm का 50MP का अल्ट्रा वाइड OIS कैमरा और 85mm का 64MP का 3x टेलीफोटो OIS कैमरा। OIS का भंडारा चल रहा है। इसकी मेन कैमरा की जो फोटोज है उनमें शार्पनेस भाई जैसे DSLR में होती बिल्कुल ही वैसी है। आप क्या डरे हो ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। कलर टोन्स बिल्कुल ही ऑसम है और धोखे से भी रात में फोटो ना खींच लेना भाई साहब, मजा आ जाएगी बिल्कुल। आप खुद देख सकते हो कि नाइट फोटोज में ये S23 Ultra और 15 Pro Max की बराबरी कर रहा है और कुछ पाइनों में उनसे ऊपर भी है। और इस स्मार्टफोन में 2023 का बेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा है। कान के बहरे नहीं हो, सही सुन रहे हो। डायनेमिक रेंज सबसे ज्यादा बढ़िया है और ज्यादातर फोन में यही होता है कि अल्ट्रा वाइड में शार्पनेस थोड़ी कम होती, बट इसमें भर भर के दी गई है। इस फोन की कैमरा सिस्टम का जो शार्पनिंग एल्गोरिदम है वो मुझे भाई तगड़ा तो लगा। टेलीफोटो कैमरा की फोटोज भी माइंड ब्लोइंग आती हैं, पोर्ट्रेट फोटोज भी बहुत ऑसम है और टेलीफोटो कैमरा से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो और आप खुद देख सकते हो वो कैसी आ रही हैं। और अब जो बताने वाला हूँ उसको सुनके भाई आपकी फटेगी नहीं, छितर बितर हो जाएगी। इसके तीनों ही कैमरा से आप 4K 120fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 नहीं 120। बाकी कैमरों को उनकी औकात दिखा दी। मेन कैमरा से आप 8K 30fps तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी फोन्स में आप 8K 24 तक जा सकते हो बट इसमें 30 है। Nubia कंपनी ने न्यू विजन कंपनी के साथ मिलकर इसके कैमरा सेटअप किए हैं। इंडिया में जैसे ज़ाइस, लाइका और हेजलबेल्ड है वैसे ही चाइना में न्यू विजन है, ये ज्यादा चाइना से बाहर नहीं निकली तो हम लोग जानते नहीं है। और इसका सेल्फी कैमरा तो भाई मिस्टर इंडिया है, दिखता ही नहीं है। इस फोन में 5th जनरेशन का अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा है और सेम यही 5th जनरेशन का अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा Nubia के पिछले फ्लैगशिप फोन जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है रेड मैजिक 9 प्रो में भी था। अब थोड़ी सी दिमाग घुमाने वाली बात बताता हूँ, जो इस फोन का ग्लोबल यूनिट होगा जो US में लॉन्च होगा उसमें 12MP का सेल्फी कैमरा है और जो चाइना में आपको मिलेगा उसमें 16MP का सेल्फी कैमरा होगा। आंखें खुलती नहीं सही से, करके करे रहते हैं। भेदभाव देख लो सबसे आगे। इसका अंडर डिस्प्ले कैमरा तो भाई इतना तगड़ा कि सैमसंग तक को पीछे कर दिया है। सैमसंग का जो लेटेस्ट फोल्ड फोन है भाई उसमें भी दिखता है कैमरा, बट इसमें तो भाई कहीं से पता ही नहीं चलता। बट अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है भाई, इसमें फोटोज इतनी अच्छी नहीं आती है, डिसेंट ही फोटोज आती है और वीडियो भी आप इसमें 1080 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो। बैक कैमरा में तोप चला दी, सेल्फी कैमरा में हक दिया। फ्लैगशिप फोन्स में 5000mAh की बैटरी ज्यादातर मिलती है, इससे ज्यादा देंगे तो अच्छे नहीं बन जाएंगे। बट इस स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग के साथ, बट इसमें वायरलेस चार्जिंग है ही नहीं, 6000mAh बैटरी का ही कुछ लोचा होगा इसमें। अब देखो फिर भेदभाव, चाइना में जो चार्जर आ रहा है उसका आप लुक देखो ब्लू वेरिएंट का। और मेन बात, इसमें आपको दो पोर्ट मिलेंगे, टाइप A टू टाइप C और टाइप C टू टाइप C। अभी
बताओ क्या। और आजकल लोग जिसके चक्कर में मरे जा रहे हैं, USB 3.1 वो है इसमें, जिससे आप सुपर फास्ट डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। इसमें आपको डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, IP68 की रेटिंग मिल जाती है, 1.5 मीटर तक फोन को पानी में डाल सकते हो 30 मिनट के लिए, वो होता हो तो कर लेना। और ये फोन रन करता है नूबिया के MyOS 4 पे, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। और मानोगे नहीं आप, ये एक स्टॉक एंड्रॉइड है, कोई भी ब्लॉटवेयर आपको नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस में ये लेटेस्ट K70 Pro या कह लो पोको X6 Pro को भी पीछे कर दिया। एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन इतना भी ज्यादा फास्ट नहीं होता है कि ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन को पीछे कर दे। इन दोनों ही फोन्स में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, बट चाहे आप सिंगल कोर रिजल्ट्स देख लो, मल्टी कोर, अंतुतु स्कोर, 3D मार्क, वाइल्ड लाइफ टेस्ट, सब में ही इसने उसको पीछे कर दिया है। सारे ही गेम्स हाईएस्ट सेटिंग पे चलेंगे, कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें 85% इंप्रूव्ड CPU है और 60% इंप्रूव्ड GPU है, वही अपना एड्रेनो 750 है। LPDDR5X RAM है, UFS 4.0 की स्टोरेज है और 8GB से लेके 24GB तक की RAM है और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज है। इंडिया में तो भाई भूल ही जाओ, बिल्कुल तेरे नाम बन जाओ कि ये फोन आएगा भी। और चाइना में जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 50,000 के आसपास ये लॉन्च हुआ है। वीडियो वाहियात लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर लेना। और अब मैं चलता हूँ, मुझे 2024 रेजोल्यूशन की रेड मारने जानी है। बाय। और 8 से लेके 24GB तक की इंटर इतने तेज कंटाप मारेंगे ना।